हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। हम बात करेंगे लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो फ्रेंड, आज थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है 0.94% की, और शेयर का प्राइस क्लोजिंग दिया है 21.08 का। आज का हाई 21.91 तक चला गया था, 22 ब्रेक करने की आज पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन थी, बट फ्रेंड्स आज मार्केट ही थोड़ा सा फ्लैट था। आज का लो है 20.93। एक न्यू लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जानेंगे नेक्स्ट टारगेट। अपने 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोज आ चुका है ये शेयर। तो फ्रेंड्स, इसका 52 वीक हाई है 25.35। आज का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, आज का वॉल्यूम है टोटल NSE एंड BSE को मिलाकर 58 लाख का। तो आज का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 करोड़ तक आराम से जा रहा है। न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है 9th of March को। तो 9th of March को एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे अपडेट्स बहुत आ रहे हैं शेयर में, बट आपको पता होना चाहिए कि 9th March को जो लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो है डिटेल्स ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट के। जो इस शेयर का पी है वो 66 पे पहुंच चुका है, ये फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। आज बाइंग और सेलिंग प्रेशर में अराउंड सेम ही क्वांटिटी थी, जितना बाइंग में प्रेशर था लाइक अराउंड 2 लाख का, उतना ही अराउंड सेलिंग में भी प्रेशर था 2 लाख समथिंग का। तो शेयर ने आज कुछ एक फ्लैट ही परफॉर्म किया है ज़्यादातर। प्रोमोटर होल्डिंग 57.65% है। दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 12.78 करोड़ का। मार्केट जैसा पॉजिटिव रही अगर होल वीक नेक्स्ट, तो ये अपने 25 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो फ्रेंड आज भी 22 के आसपास तो आप मानिए, तो ये शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अब उनकी चॉइस है, उन्हें प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है बने रही है, ये शेयर काफ़ी अच्छा है, इसके क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, तो शेयर में अप ट्रेंड रैली ही रहने वाली है। सो हम नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चलेंगे, हम अब नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा इसमें वो बनेगा 22.50 का। वही इसका एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी बनेगा, तो हम 22.50 को ही कंसिडर करके चलेंगे शेयर में। तो फ्रेंड्स आज के परफॉर्मेंस में मैं आपको बता दूं, 58 लाख का वॉल्यूम है एंड आज बाइंग और सेलिंग में अराउंड सेम प्रेशर था, इसीलिए शेयर ने एक नॉर्मल परफॉर्मेंस दी है। निफ्टी भी आज नॉर्मल थी, तो इसीलिए हमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, खुद से रिसर्च करना है फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।